সন্তান দিকে মানুষ করে ইচ্ছায় অবিদ্যা সত্তা দিকে মানুষ করেছেন শ্রীকান্ত আপনাদের সামনে এই মুহূর্তে বক্তব্য রাখবেন আমাদের সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা বাবুজি। সাথীও, मैं बबलू कुमार एक अपना स्पीच चालू करने से पहले आप लोग के लिए हम एक शायर लिखे हैं। गुजरता हुआ वक्त गुजर जाएगा, गुजरता हुआ वक्त गुजर जाएगा, अगर कुछ पास रह जाएगा तो वह होगा इस हसीन दिन का कोई रोशन सा लम्हा। मैं बबलू कुमार आप सभी ऑपरेटर बंधु को नमस्कार करते हैं, मंच पर उपस्थित संस्था की टीम सुल्तान अहमद, एस के रेबुल, अभिजीत जोश, रोहित कार, सत्तार अंसारी और यहाँ पर उपस्थित हमारे ऑपरेटर बंधु। आप लोग अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पर आए और यहाँ पर आप लोग को बुलाने का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से आप लोग आए हैं, आज हम लोग इस विचार पर बात करेंगे। आप लोग बैठ जाइए। दोस्तों, बहुत सारे ऑपरेटर भाई अभी यहाँ पर जो उपस्थित है उनका मन में सबका मन में एक सवाल चल रहा है, जिनके पास अभी संस्था से जुड़े नहीं है, अभी तक जो जुड़े नहीं है उनका मन में एक सवाल चल रहा है कि हम इस संस्था से क्यों जुड़े, आखिर हमको इससे लाभ क्या है। जो फेसबुक लाइव देख रहे हैं, जो यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं और आज ये जो बैठक हो रहा है पश्चिम बंगाल के खड़गपुर के धरती पर, और इसमें केवल एक ऑपरेटर नहीं, आप लोग जितने ऑपरेटर उपस्थित हैं सब लोग साथ दिए हैं, सहयोग किए हैं, तभी यहाँ पर एक बैठक कराया गया। साथियों, साथियों, आप लोग का बुलाने का उद्देश्य क्या है? पहला काम ऑपरेटर को जागरूक करना ताकि ऑपरेटर में एकता बने रहे। जब तक ऑपरेटर में एक नहीं होंगे जब तक शोषण होते ही रहेगा। आज हमारे ऊपर, कल आपके ऊपर, परसों दूसरे के ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप लोग सुने होंगे कि एकता ही बल है, एकता में बहुत ताकत होता है। एकता में आप लोग हम एक उदाहरण देखते हैं, एक सच्चाई जो है। पिछले दिन किसान आंदोलन हुआ था, एक साल तीन चार महीना वो लोग आंदोलन किए थे और जब सरकार के सामने अपना मांग
पीछे नहीं हट पाए किसान जो भाई थे, जो दिल्ली में पूरा दिल्ली में पंजाब के किसान थे, हरियाणा से गए थे, उत्तर प्रदेश से गए थे। जब सरकार झुक सकती है तो ये मालिक और कंपनी क्या चीज़ है। हम लोग में एकता पहले जरूरी है, और संस्था से जुड़ने से क्या लाभ है हम लोग बताएंगे एकदम विस्तार से। साथियों, इस संस्था से जुड़ने से क्या क्या लाभ है। पहला काम संस्था से जुड़ने के बाद किए गए कार्य को सही समय पर वेतन दिलवाना संस्था का मुख्य भूमिका होगी। संस्था में जुड़ने के बाद दो नंबर, मशीन चलाते समय ऑपरेटर को हुई दुर्घटना होने पर मशीन मालिक द्वारा अधिक से अधिक मात्रा में मुआवजा दिलवाना संस्था का मुख्य भूमिका होगी। तीसरा, मशीन चलाते समय हुई दुर्घटना में इलाज का सभी खर्च महीने के वेतन के साथ मालिक द्वारा उठाया जाएगा। चार नंबर, रोजगार के लिए बहुत सारे ऑपरेटर भाई रोजगार के लिए बहुत भटकते हैं, कहीं जाते हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पाता है। सपोज आप खड़गपुर से हैदराबाद गए काम करने के लिए, महाराष्ट्र गए, आपको नंबर ग्रुप में मिला और ग्रुप के थ्रू वहाँ पर चला गए। वहाँ पर जाने के बाद आपको एक वेरीफाई किया हुआ जॉब नहीं मिलता है। वहाँ पर जाने के बाद लगता है या कोई जो बुलाया है वो या तो फ़ोन नहीं उठाएगा, या आपको एक 20,000 पर जो बुलाया है मालिक या कंपनी वो आपको वहाँ पर बुला कर बोलेगा कि आप 18,000 रुपये ले लीजिए, 16,000 रुपये में काम करिए। बताइए, आप यहाँ से वहाँ तक जाइएगा काम करने के लिए और वहाँ पर भी आपको शोषण किया जाइएगा, तो आप क्या कर सकते हैं अकेले। इसके लिए एक संस्था एक ला जल्दी इस पर काम चालू हुआ है जिसका नाम है रोजगार एप्स। इसका नाम है, फुल प्रम नाम है, ऑपरेटर रोजगार एप्स। ये आने के बाद ऑपरेटर का सुविधा क्या होगा, अगर आप जैसा आप लोग ओला दिखते हैं, ओला एप्स है, उबेर एप्स है, उसी तरह इसमें हर ऑपरेटर को फ़ायदा है और इसमें मालिक को भी फ़ायदा है, और इसमें एक वेरीफाई किया हुआ जॉब डाला जाएगा। ये बात नहीं, वहाँ पर कोई भी जॉब डाल सकता है। जो संस्था के मेंबर हैं, जिनके पास संस्था का आईडी कार्ड है, वही उसमें जॉब डाल सकते हैं वेरीफाई किया हुआ। अगर जिसके पास संस्था का आईडी कार्ड नहीं है, वो अपना पहले आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तभी वो जॉब डाल सकते हैं। आप लोग के पास कहीं से भी फ़ोन आता है और बोला जाता है कि आप यहाँ पर आ जाइए, मिजोरम में आ जाइए, असम में आ जाइए, वेस्ट पश्चिम बंगाल में आ जाइए, और यहाँ पर आने के बाद हर जगह शोषण हो रहा है। अगर आप लोग देखे होंगे, आपके ऊपर नहीं होगा या दूसरे आपका साथी होगा, ऑपरेटर साथी होंगे, उनके से पूछ लीजिएगा कि भैया आपके ऊपर शोषण हुआ है कि नहीं, आपका लाइफ में कभी आपका कंपनी या मालिक पूरा हिसाब दिया है क्या, पूछ लीजिए उनसे, जो सच्चाई है, जो सच्चाई यहाँ पर बोला जाता है। और पांच नंबर बात है, मालिक द्वारा ओवर टाइम का पैसा नहीं देने पर संस्था द्वारा निश्चित रूप से पैसा दिलवाया जाएगा। एक कैसा पैसा दिलवाया जाएगा, इसमें तीन जो काम है संस्था अपना बलबूता पर कर सकती है, लेकिन जो इसमें और दो काम है, पांच में से दो काम है, जब तक एक नहीं होंगे ऑपरेटर भाई, जब तक ये नहीं हो पाएगा। कोई कोई ऑपरेटर है जो 12 घंटे मशीन चलाते हैं, 14 घंटे मशीन चलाते हैं और उनको सैलरी मिलता है 16,000-17,000। क्या आपके 16,000 से आपके परिवार चल सकता है, क्या आपके 17,000 से परिवार चल सकता है। आज इतना महंगाई बढ़ चुका है, आप लोग आज देख लीजिए पेट्रोल का दाम कितना है, डीजल का दाम कितना है। जो मशीन का रेट था, अगर जेसीबी का रेट था 700-800 रुपये घंटा, तो आज जेसीबी का रेट है 1,000-1,200 रुपये घंटा, लेकिन ऑपरेटर का जो वेतन है ये बढ़ रहा नहीं है, ये दिन पर दिन घट रहा है। तो कमियां कहां पर है, तो कमियां है ऑपरेटर में एकता नहीं है। सबसे जरूरी है ऑपरेटर में एकता, और
जागरूक जब तक ऑपरेटर नहीं हो गए, जब तक एक दूसरे को समझाएंगे नहीं, आज यहाँ पर हम बताए और आप बाहर जाके भूल गए तो नहीं हो पाएगा। हर किसी का जिम्मेवारी है एक दूसरे को बताना, एक दूसरे को समझाना, इस संस्था से जुड़ना। ये जो संस्था बना है ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन, ये ऑपरेटर ने मिल के बना है। यहाँ पर जितने ऑपरेटर भाई बैठे हैं सभी ऑपरेटर हैं, और ये ऑपरेटर ने मिल के बना है। 20 ऑपरेटर से चालू किया गया था, आज से 1.5 साल पहले 20 ऑपरेटर से चालू किया गया था, और आज फेसबुक पेज पर जो जुड़े हैं 13,000, जिसका आईडी कार्ड बना है टोटल 1100 ऑपरेटर का, पूरा भारत लेवल पर आईडी कार्ड बना है। आइए, जो ये बंगाल, केवल बंगाल में नहीं है, ऑल इंडिया लेवल पर है। ये पहला मीटिंग जो संस्था का हुआ था जम्मू कश्मीर में हुआ था, 17 सितंबर को हुआ था 2021 में। दूसरा मीटिंग महाराष्ट्र में हुआ था 25 तारीख को सितंबर में 2021 में। तीसरा मीटिंग 2 अक्टूबर झारखंड के कोडरमा में मीटिंग हुआ था, चंदवारा में। चौथा मीटिंग हुआ था आपको सिवान जिला के मदारपुर में। पांचवा मीटिंग हुआ था आपको मुजफ्फरपुर जिले में, बिहार में। सातवां मीटिंग हुआ था आपको यही क्या हुआ सिवरी में, सिवरी पश्चिम बंगाल में, बीरभूम में। उसके बाद मीटिंग हुआ था आपको झारखंड के बरही में। 7 मीटिंग पूरा भारत में हुआ है, ये 8वां मीटिंग है और इस साल का पहला मीटिंग है। और आप लोग और साथ दीजिए, जैसा आप लोग पिछले साल से साथ दे रहे हैं, जब से संस्था बना है इतना आप लोग साथ दे रहे हैं, इसके लिए आप सभी को आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, ये जो संस्था है ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन, जो भारत सरकार से रजिस्ट्रेशन है, इस आप लोग इसको गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, CIN नंबर, यहाँ पर CIN कहाँ है वो CIN नंबर, ये देखिए CIN नंबर यहाँ पर सी कट गया है, CIN नंबर U85300BR2021NPL050472। ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप लोग के आईडी कार्ड पर भी होगा ये रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसके पास भी आईडी कार्ड है। और इसका ऑफिस कहाँ पर है, तो इसका ऑफिस है बिहार के सिवान जिले के जगतपुर पंचायत में। साथियों, क्यों एक छोटे से गांव में ऑफिस है, क्योंकि एक ऑपरेटर ने मिल के बनाया है। जैसा जैसा संस्था बढ़ेगा हर स्टेट में ऑफिस बनाया जाएगा, और ऑफिस में एक और सुविधा रखा जाएगा। सपोज कोई झारखंड से बंगाल में आ रहा है काम करने के लिए, कोलकाता में काम करने के लिए आ रहे हैं, या कोलकाता से महाराष्ट्र में जा रहे हैं, कोई केरला में जा रहे हैं, वहाँ पर अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो आप वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं, कहाँ जाइएगा अकेला इतना बड़ा शहर में। तो आप वहाँ पर एक रूम का अवेलेबल किया जाएगा, संस्था का रूम रहेगा, आप वहाँ पर जाके ठहर सकते हैं, रह सकते हैं एक दो दिन, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब सुविधा के लिए आपसे जो फीस सहयोग मांगा जा रहा है, और आप लोगों को जुड़ना जरूरी, जब तक ऑपरेटर नहीं जुड़ेंगे जब तक ये संस्था चल नहीं पाएगा, पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाएगा। आप सबका साथ चाहिए, एक साथ चलिए। एक बात और हम बता देते हैं, एक ऑपरेटर जो दिन रात मेहनत करके मशीन चलाते हैं, और जब मशीन चलाने के बाद जब अपना हक मांगते हैं, तो मशीन मालिक आसान सब भाषा में बोलते हैं कि अभी मेरा पास पैसा नहीं है। जो ऑपरेटर मालिक को काम करके देता है और मालिक का परिवार चलाता है। साथियों, ऑपरेटर का वेतन
नहीं मिलने पर उनका घर चलाना मुश्किल मुश्किल हो जाता है। घर में बूढ़े माँ बाप है, उनका घर चलाना है। ऑपरेटर का, अगर ऑपरेटर का वेतन नहीं दीजिएगा तो उनका घर चलाना मुश्किल हो जाएगा, उनका बच्चों को फीस देना मुश्किल हो जाएगा। आप अपना जो मशीन का किस्त है, फाइनेंस है, आप महीना महीना भरते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भैया अगर महीना महीना फाइनेंस नहीं देंगे तो मशीन उठा के लेके चला जाएगा, खींच के लेके चला जाएगा फाइनेंस वाला। लेकिन आप ऑपरेटर को वेतन नहीं देते हैं तो क्यों? तो ऑपरेटर में एकता नहीं है। क्या करेगा ऑपरेटर? वो तो एक गरीब मजदूर है। एक हम शायरी कहना चाहते हैं मालिक के लिए। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। दान देना है तो रक्तदान दीजिए। और साथियों, एक ऑपरेटर जिनका नाम है स्वर्गीय कामरुद्दीन, जो हम सबके बीच नहीं रहे साथियों, वो मिजोरम में मशीन चलाते थे और उनका घर हुआ झारखंड के हजारीबाग के चंपारण थाना में। कुछ दिन पहले, लगभग 20 दिन से 25 दिन हो गया, कुछ दिन पहले उनका मिजोरम में मशीन चलाते वक्त उनका देहांत हो गया। और देहांत उनका हुआ है, लेकिन उनके बच्चे के ऊपर से उनका बाप का साया उठ गया है। उनका घर में उनका एक फैमिली है, परिवार है, उनका 3 बच्चे हैं, एक बूढ़ी माँ है और एक कामरुद्दीन थे जो अपना घर चलाते थे। और आज उनका घर चलाना वाले कोई नहीं है। और हम चाहेंगे कि आप लोग जितने भी ऑपरेटर भाई आए हैं, उनका परिवार का साथ दीजिए, सहयोग करिए। 20 तारीख को जो झारखंड में मीटिंग रखा गया है, वहाँ पर उनके परिवार को बुलाकर जितना संस्था से सहायता होगा, आर्थिक मदद होगा, उनको सहायता किया जाएगा। और साथियों, यहाँ पर आए सुल्तान अहमद, सतार अंसारी, एसके रेबुल, रोहित कार, अभिजीत टप्पन और जितने सारे ऑपरेटर बंधु आए हैं, आप लोग अपना कीमती समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।